जो इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आज हम चर्चा करेंगे इकाई दो पर। इकाई दो में हम लोगों को क्या निर्धारित है बेटे, हम लोगों को हमने जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग इकाई दो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनको और किस नाम से जाना जाता है, उनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं, उनके माता पिता कौन हैं, उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कैसा रहा, तो इन सब बातों पर हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चों राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म श्रावण शुक्ला द्वितीय सोमवार 3 अगस्त 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। एक बार फिर नोट कर लो बेटे, राष्ट्रीय कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ। इनके जो पिता थे, इनके पिता सेठ रामचरण जी को कविता से बड़ा प्रेम था और काव्य अध्ययन के अतिरिक्त वे स्वयं भी थोड़ी बहुत काव्य रचना कर लिया करते थे। गुप्त जी अधिकांश शिक्षा जो है इनकी कहाँ पर हुई, घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत और बंगला साहित्य का भी गंभीर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय कवि गुप्त जी अंग्रेजी, गुजराती और मराठी भाषाओं में भी पर्याप्त ज्ञान रखते थे। गुप्त जी को काव्य की प्रेरणा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्राप्त हुई, अर्थात इनके काव्य गुरु किसे माना गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। उनकी इन पर अपार कृपा थी और यह उसी गुरु कृपा का परिणाम है कि गुप्त जी ने अनेक बहुमूल्य कृति रत्नों से हिंदी साहित्य के भंडार को गौरवान्वित किया। द्विवेदी जी की कृपा को इन्होंने अपने कुछ रचनाओं में इस प्रकार कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नास, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अर्थात यदि गोस्वामी तुलसीदास जी पर हनुमान जी की कृपा ना होती तो वे निश्चय ही रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाते। इसी प्रकार यदि मुझे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आशीर्वाद ना मिलता तो मैं भी काव्य के माध्यम से अपनी जो हार्दिक अनुभूतियां हैं, अपने जो विचार हैं, अपनी जो अनुभूतियां हैं, उनको मैं काव्य के रूप में व्यक्त नहीं कर पाता। बच्चों गुप्त जी धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। इनकी यह प्रवृत्ति हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की भांति उदार और ध्रुव की भांति अटल थी। बच्चों गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि और अख्याता माने जाते हैं। इनके जीवन काल में हिंदी साहित्य ने कितनी ही नई करवटें ली, कितने ही साहित्यिक वाद आए और चले गए, कितनी ही काव्य रीतियाँ आविर्भूत हुई और विलीन हुई, पर ये अपने ही चुने हुए एक ही पथ पर अचल रहे, उससे तनिक भी टस से मस न हुए। यह इनके महान व्यक्तित्व की दृढ़ता का ही परिणाम था। भारतीय संस्कृति में नारी का विशेष एवं आदरणीय स्थान हमेशा रहा है। आप सब लोग जानते ही हो कि भारत में नारी जो है उसकी
पूजा की जाती है, उसे देवी के समान, शक्ति के समान माना जाता है। भारतीय संस्कृति के नियामक महर्षि मनु ने भी कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं क्या होता है, देवताओं का आविर्भाव होता है, देवताएं वहाँ, देवता जो है वो वहाँ पर वास करते हैं। तो नारी को जो है भारतीय समाज में एक शक्ति के रूप में, एक देवी के रूप में देखा गया है। तो बच्चों ऐसे ही जो मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने भी क्या किया, अपनी जो उनकी रचनाएं हैं उसमें उन्होंने नारी को पर्याप्त स्थान दिया, उसे उचित दर्जा और उचित मान सम्मान दिया। इन्होंने अपेक्षित नारियों को अपने काव्यों में स्थान देकर उन्हें यथोचित आदर और पद दिया है। इनके कुछ प्रमुख नारी पात्रों के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उर्मिला, यशोधरा और विष्णुप्रिया इत्यादि। ये ऐसे नारी पात्र हैं जो इतिहास से संबंधित हैं और साथ ही साथ जो हमारे रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने इनको एक उचित सम्मान और आदर दिया है। बच्चों अगर मैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, तो वो भी बहुत बढ़िया रचनाएं हैं जो बहुत लोकप्रिय भी हुई हैं और हिंदी साहित्य में ये रचनाएं अपना एक विशेष स्थान और महत्व भी रखती हैं। तो रंग में भंग इनकी रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उनको नोट कर लो, परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपसे पूछी जा सकती हैं और महत्वपूर्ण हैं। मैं रचनाओं के जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, हिंदू, वक्संहार, त्रिपतगा, गुरुकुल, वन वैभव, झंकार। और इनकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना जिसमें भारत भारती और साकेत का नाम लिया जा सकता है, साकेत कवि की प्रमुखतम रचना है, इसमें राम कथा वर्णित है। जिस प्रकार काव्यों में नाटक को, नाटकों में शकुंतला नाटक को, और शकुंतला नाटकों में भी, नाटक में भी इसके चतुर्थ अंक को सर्वाधिक जो है रम्य माना गया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक महाकाव्यों में साकेत को, और साकेत में भी इसके नवम सर्ग को उत्कृष्ट जो है वो माना गया है। साकेत के परिणन का आधार ही वह भाव भूमि है जो इसके नवम सर्ग में अभिव्यक्त की गई है। बच्चों हमने यहाँ तक किस बात पर चर्चा कर ली, हमने यहाँ तक इस बात पर चर्चा कर ली कि जो हमारे राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके काव्य गुरु कौन थे, और उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो कौन कौन सी थी, और इसके अतिरिक्त जो उनकी एक बहुत लोकप्रिय और प्रमुखतम रचना है साकेत, उसका कौन सा जो सर्ग है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आज आप लोगों को कुछ और भी बताना चाहूँगा। बच्चों अक्सर मेरे पास बच्चों के फ़ोन आते हैं, उनके ईमेल्स हम लोगों को मिलते हैं, उनके मैसेजेस हम लोगों को मिलते हैं, और बच्चों ने ये मांग की है कि आप जो है हमें कुछ जो है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो और लघु प्रश्न जो है वो आप हमें कुछ लिखवा दिया कीजिए। तो उनकी इसी जो उनकी डिमांड है ये, उनको ध्यास में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं उनसे जुड़े हुए कुछ 8-10 प्रश्न जो हैं लघु हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको नोट कर लें ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटे, तो मैं ये आपको प्रश्न आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि गुप्त जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो कब और कहाँ हुआ।
इसका उत्तर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो एक बार फिर बता देता हूँ आपको। 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में इनका जो है वो जन्म हुआ। उसके बाद बेटे दूसरा प्रश्न लिखिए, इनके काव्य गुरु का क्या नाम है। तो काव्य गुरु अर्थात किससे प्रेरणा लेकर या किससे शिक्षित होकर जो लेखक जो है अपने पथ पर आगे बढ़ा, तो इनके काव्य गुरु किसे माना गया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को इनका काव्य गुरु माना गया। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न लिखिए, गुप्त जी और किस नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरा प्रश्न, गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी किस नाम से और किस नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इनका एक नाम तो हम लोग सब जानते ही हैं कि मैथिली शरण गुप्त, और दूसरा बच्चों इनको दद्दा के नाम से भी, सही सुना आपने, इनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है या दद्दा के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। उसके बाद अगला प्रश्न लिखिए बेटे, राष्ट्रीय कवि की उपाधि उन्हें कब और किसके द्वारा प्रदान की गई। हम लोग कह रहे हैं ना, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त जो हैं राष्ट्रीय कवि हैं, तो राष्ट्रीय कवि की उपाधि जो है उन्हें कब और किसके द्वारा प्रदान की गई, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है और लघु प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिए बेटे, इनकी जो रचना भारत भारती थी, जो रचना इनकी थी भारत भारती, उस रचना के लिए महात्मा गांधी जी ने सन 1936 में काशी में इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, भारत भारती रचना के लिए महात्मा गांधी जी ने सन 1936 में काशी में इन्हें साहित्य राष्ट्रीय कवि सॉरी इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। ठीक है बेटे, तो अगला प्रश्न लिखिए, भारत भारती में किस छंद का प्रयोग अधिक है। यहाँ आप लोग इसमें ये भी लिख सकते हो कि जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग जो है वो अधिक किया है। तो इसके उत्तर के फलस्वरूप आप लिख सकते हो कि भारत भारती में या अपनी रचनाओं में लेखक ने हरि गीति का छंद, लेखक ने कौन सा छंद, हरि गीति का छंद का अधिक प्रयोग जो है वो किया है। ये भारत भारती में भी है, उनकी दूसरी रचनाएं जो हैं जैसे साकेत है और उनकी और रचनाएं हैं उनमें भी हरि गीति का छंद का प्रयोग जो है वो हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न लिखिए बेटे, मैं एक आपको संवाद बोल रहा हूँ, एक डायलॉग बोल रहा हूँ, आपने बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है। ठीक है, तो कथन क्या है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। एक बार फिर सुनिए, ये एक कथन है, आपको ये बताना है कि ये किसने कहा और किस रचना में कहा। तो संवाद क्या है, कथन क्या है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो इसका उत्तर बेटे लिख लो इस जो प्रश्न का उत्तर क्या है, यह कथन जो है, यह कथन स्वयं मतलब खुद मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचना भारत भारती में कहा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने स्वयं अपनी रचना में, किस रचना में, भारत भारती में यह कथन जो है वो कहा है। उसके बाद बेटे अगला प्रश्न लिखो, गुप्त जी मातृभूमि को केवल, ये भी एक कथन है और आपको बताना है कि ये किसने कहा है। कथन लिख लीजिए, गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं मानकर, गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं मानकर सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं, यह कथन किसका है। एक बार फिर दोहरा दूं, तो सुनिए,
गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं मानकर सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं, यह कथन किसका है? तो बच्चों आप लिख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, गुप्त जी मातृभूमि को केवल भूमिखंड नहीं मानकर सगुण मूर्ति सर्वेश की मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न बेटे लिख लीजिए, वे अर्थात कौन? गुप्त जी। ठीक है, वे अर्थात कौन? गुप्त जी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि हैं और भारत भारती ही सच्चे अर्थों में भारत भारती हो सके। ये भी एक कथन है बेटे, आपने ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसने कहा। वे कौन? मैथिली शरण गुप्त जी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि हैं और भारत भारती ही सही अर्थों में भारत भारती हो सकी है। यह कथन बेटे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कथन कहा है। उसके बाद बेटे एक प्रश्न और लिखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्योंकि साकेत भी हमें पाठ्यक्रम में निर्धारित है और भारत भारती जो रचना है मैत्री शरण गुप्त जी की वो भी हम लोगों को पाठ्यक्रम में निर्धारित है, तो कुछ प्रश्न मैंने साकेत से लिए हैं और कुछ इनकी रचना जो भारत भारती है वहाँ से मैंने लिए हैं। तो अगला प्रश्न लिख लीजिए बेटे कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। साकेत जो रचना है गुप्त जी की उसमें कुल कितने सर्ग हैं? तो उसका उत्तर है, लिख लीजिए, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? तो उसका उत्तर है कि साकेत रचना में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत रचना में कुल कितने सर्ग हैं? 12। ये बच्चों आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रश्न है ये आपको रिक्त स्थानों में पूछे जा सकते हैं, ये आपको लघु प्रश्न उत्तरों में भी आपको ये पूछा जा सकता है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? 12। और एक यहाँ पर एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, वो भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि साकेत की जो रचना है उस रचना में को लिखने में जो लेखक है उसको कितने वर्ष का समय लगा। साकेत जो रचना है उसको लिखने में लेखक को कितने वर्ष का समय लगा? तो साकेत रचना को पूर्ण होने में 15 वर्ष का समय जो है वो लगा था। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न लिखिए, साकेत महाकाव्य ही नहीं, ये भी एक कथन है और आपको बताना है कि ये कथन किसका है। साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है, यह किसका कथन है? फिर दोहरा दूं? कोई बात नहीं, फिर सुन लो। साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है। ठीक है बेटे, लिख लिया? ओके, तो इसका उत्तर लिखवा दूं? इसका उत्तर लिखिए बेटे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने ये बात कही है। ये कथन किसका है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का। कथन क्या है? कथन यह था बेटे, साकेत महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी का युग प्रवर्तक महाकाव्य है, यह कथन जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। इसके अतिरिक्त बेटे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए। काव्यगत विशेषताएँ, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य की क्या विशेषताएँ हैं? तो सबसे पहले तो हम उसमें क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता जो है वो इनके काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। उसके बाद नारी जो है उसको उचित स्थान और विशेष महत्व जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है। फिर गौरवमय इतिहास और भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर भी इन्होंने अपनी रचनाओं में महत्ता उसको दी है। फिर और क्या है, इन्होंने प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों में लेखन किया है।
अगर बेटे हम जो गुप्त जी की भाषा की बात करें, भाषा शैली की बात करें, तो बहुत से मुहावरे, छंद, अलंकार और शब्द शक्तियों का भी इन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया है। तो बेटे आज की जो हमारी ये वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की, क्या चर्चा की कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, साकेत जो उनकी प्रमुख रचना है वह कितने, उसके कितने सर्ग हैं, उसको लिखने में कितना समय लगा, और गुप्त जी से संबंधित जो अलग अलग आलोचक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, उनके क्या कथन हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की। हमने यह भी चर्चा की कि गुप्त जी के काव्य की क्या विशेषताएं हैं। तो इसके साथ ही बेटे आज का हमारा ये वीडियो जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, खुश रहें, और फिर मिलेंगे आगे एक नए विषय के साथ, एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।